नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले साल सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदय निधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई है। बेंगलुरु कोर्ट ने उदय निधि के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 4 मार्च को कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है। बता दें कि परमेश नामक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने उदय निधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। परमेश की ही शिकायत पर बेंगलुरु कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। बता दें कि तमिलनाडु सीएम के बेटे ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। इसको लेकर पिछले साल जमकर विवाद हुआ था। बेंगलुरु कोर्ट ने उस व्यक्ति को भी समन जारी किया है जिसने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। दरअसल पिछले साल तमिलनाडु में आयोजित संतानन उन्मूलन सम्मेलन में उदय निधि ने सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उदय निधि ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से कर दी थी। उदय निधि के इस बयान की पूरे देश में कड़ी निंदा की गई। बता दें कि सनातन धर्म पर दिए गए उदय निधि के इस बयान ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी उनके इस बयान की निंदा करते हुए दिखे थे। सनातन पर दिए गए विवादित बयान के बाद से उदय निधि के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए और मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने या उसे खत्म करने का अधिकार नहीं है। उदय निधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उन्होंने कहा था कि जैसे इन सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वैसे ही सनातन धर्म को भी जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, जिस पर पूरे देश में बवाल मच गया था।